14 सितंबर के दिन उल्लासनगर शहर के टाउन हॉल में राज्य मंत्री रविंद्र चौहान जी के नेतृत्व में काफी लोगों ने उल्लासनगर शहर में भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास दिखाकर भाजपा पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया। आने वाले महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आज शामिल हुए उनमें से मुख्य नाम बंटी डिंगड़िया, मनोज शर्मा, संजय गुप्ता, शाहरुख खान, अजय यादव, प्रशांत यादव, सोमनाथ यादव, मयूर माने और पृथ्वी वलेशा, पप्पू बैरानी, नरेश दुर्गानी और विनोद तरेजा। आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया मुख्य तौर पप्पू बैरानी, विनोद तरेजा, पृथ्वी वलेशा और नरेश दुर्गानी, ये काफ़ी समय से कालानी परिवार के समर्थक रह चुके हैं। मगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा की टिकट किसे मिलती है ये कह पाना मुश्किल है। अगर कालानी परिवार को टिकट भारतीय जनता पार्टी की मिलती है तो इन लोगों को कालानी परिवार का काम करना पड़ेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में कुमार आलानी, महेश सुखरमानी, जमनादास पुरस्वानी और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी साई पार्टी के शेरी लुंड भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में किसे टिकट देगी ये कह पाना काफी मुश्किल है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर उल्लासनगर शहर के अपने पदाधिकारी को टिकट देती है तो आने वाले दिनों में कालानी परिवार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा संघर्ष होने की संभावना तय है। थाने सरकार न्यूज, महेश मूलचंदानी, उल्लासनगर।